नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। झांसी के गुरसराय क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा ने अपने चचेरे भाई पर घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने घर में उसे अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं जब पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी की डर से पीड़ित छात्रा ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की दबाव पर उसने अभी तक पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। वहीं अब पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उनसे मदद की गुहार लगाई है और बलात्कारी के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएसपी का कहना है कि उन्होंने थाना प्रभारी को मामले की जांच का आदेश दिया है। ये कुछ परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके जो बच्चे हैं उसके साथ कुछ गलत कार्य की शिकायत दर्ज की है। इसके संबंध में जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। बागपत में ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद 700 साल पुराने तालाब को नई जिंदगी मिली है। दरअसल बागपत के डोला गांव के गोसाई तालाब में करीब 15 किलोमीटर दूर से पानी आता था, लेकिन जगह जगह अवैध कब्जों और अतिक्रमण से पिछले 25 साल से ये तालाब बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया था। वहीं मैक्सेस पुरस्कार विजेता और जल पुरुष राजेंद्र सिंह से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने इस गोसाई तालाब को जिंदा करने के लिए पहले अवैध कब्जों को हटवाया। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मदद ली और फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की मदद से इस तालाब को हिंडन नदी से जोड़कर इसके लिए पानी लाया गया, जिससे यह तालाब फिर से जिंदा हो सका। मऊ के ब्राह्मण टोला क्षेत्र में निर्भया सेना कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्र के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अतिथियों को पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में निर्भया सेना सदस्यों के साथ महिलाएं भी उपस्थित रहीं। भदोही के गोपीगंज में एसएचओ सुनील वर्मा ने परिवार से धरना प्रदर्शन करवाया, जहां एसएचओ की पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगे रामजी मिश्र हत्या का आरोप वापस लेने की मांग की। साथ ही जो संगठन रामजी मिश्र के परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भी मांग की। वहीं मृतक के परिवार का कहना है कि पूरा पुलिस विभाग रामजी मिश्र के लॉकअप में मौत के मामले को दबाने में लगा हुआ है। वहीं एसडीएम ज्ञानपुर अमृत सिंह ने धरने पर बैठे परिवार को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मऊ में मध्य प्रदेश पुलिस ने कोतवाली पुलिस की मदद से बीजेपी नेता राजीव जौहरी के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मध्य प्रदेश लेकर चली गई। बता दें कि आरोपी पर मध्य प्रदेश में सन 2016 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन और शताब्दी एक्सप्रेस में हुई लूट का सामान को खरीदने का आरोप है, जिसके चलते उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने लूट का माल दीपक जौहरी को बेचा था, जिसके बाद पुलिस ने इस लूट के माल को खरीदने वाले बीजेपी नेता के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। धारा 379 में एक आरोपी पकड़ा गया था, किसान अग्रवाल। इसमें अपराध क्रमांक 200/16 और 121/16 में 10 लाख और 4 लाख का माल दीपक और दीपू जौहरी को बेचने बताया था। उसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया। ट्रेन में चोरी हुई। सर कौन सी ट्रेन है वो? ये ट्रेन है एक साबरमती एक्सप्रेस है, एक शांति एक्सप्रेस। ये घटना 2016 की। फतेहपुर में करंट की चपेट में आए एक मासूम को बचाने के चक्कर में एक युवती की जान चली गई, जबकि मासूम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जाफरगंज थाना क्षेत्र के सहमलपुर में मामा के घर आई एक मासूम करंट की चपेट में आ गई। वहीं मासूम को बचाने आई युवती भी करंट की चपेट में आ गई, जिसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मेरठ में एक महिला का परिवार ही उसकी जान का प्यासा बन गया। पीड़ित निशा का कहना है कि उसने अपने परिजनों से छुपकर शादी की थी, जिसके कारण उसका परिवार उसे जान से मारना चाहता है और इसी के चलते पीड़िता ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसने अपने परिवार वालों के दबाव में आकर अपने पति के खिलाफ झूठा बयान दिया और उसे जेल भिजवा दिया और अब उसके परिजन उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। यूपी के मऊ जिले की शिक्षा विभाग कॉलोनी के प्राइमरी स्कूलों का शिक्षा सत्र शुरू होते ही सरकारी स्कूलों में खामियों का अंबार लग गया। बता दें कि स्कूल खुलने के बाद अभी तक बच्चों के पास किताबें, बैग और स्कूल ड्रेसें नहीं पहुंची हैं और विभाग के अधिकारी है कि नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते बच्चों के पढ़ने लिखने का कोई इंतजाम नहीं हो सका है।
फतेहपुर में इन दिनों पीएससी दरोगा भर्ती चल रही है, जिसमें दौड़ के लिए दूर दूर से आए अभ्यर्थियों को 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ रही है। लेकिन गर्मी में दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस भर्ती में 800 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। शिया धर्मगुरु और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास यूपी के मऊ जिले पहुंचे, जहां उन्होंने ताजिया कमेटी के जिला अध्यक्ष मकसूद खान के घर एक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही है वो सिर्फ पाकिस्तान करा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को 4 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने अब तक कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया है। देखिए, जो घाटी के अंदर पत्थरबाजी हो रही है और जिस तरीके से वहाँ ऊपर बाकायदा सेना के जवानों से पत्थरबाजों से लड़ाई चल रही है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और इसके अंदर बाहरी ताकतों का खुल के कहूँ कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से इसके अंदर हाथ है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।